अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों हमेशा फ्री में मिलते रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर आपको मैं सुनाने वाला हूँ साथियों, वो साथियों आ रही है कतर के आमिर के तरफ से। तो साथियों, कतर के जो आमिर है, आमिर शेख तमीमी धमल थानी साहब के तरफ से कल के दिन साथी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस, जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उन दोनों के बीच में दोस्तों फोन कॉल में कल के दिन बातें की गई। बातें करने के दौरान दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो मैच होने वाला उसको लेकर उस मुद्दे पर बात की गई है और दोनों देशों में डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने के बारे में दोनों देशों में बातचीत की गई। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है एचएमसी के तरफ से आ रही, यानी हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन। तो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन के तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ईद से लेकर अब तक वहां पे लगभग 242 केसेस को वहां पे रिसीव किया गया, जो कि तीसरे दिन रिसीव किया गया था। टोटल वहां पे 1128 केसेस को वहां पे रजिस्टर किया गया, जिनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो कि एक्सीडेंट वाला था, कुछ केस बच्चों के थे, कुछ केस ऐसे थे कि जो लोग बीमार थे, और कुछ केस ऐसे थे कि जो कि काफी सीरियस कंडीशन में थे। तो कुल मिला के दोस्तों 1128 केसेस को वहां पे रजिस्टर किया गया है, जिनमें से कुछ लोगों को मदद वहां पे तुरंत भेजी गई और कुछ लोगों को दोस्तों वहां मदद भेजने में थोड़ी देर भी हुई। तो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से दोस्तों कल के दिन ये आंकड़ा निकाला गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही साथियों, जो कि इंडिया से आ रही। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मॉन्की पॉक्स जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी, पर अच्छी खबर यह थी कि मॉन्की पॉक्स का केस अभी तक इंडिया में एक भी नहीं आया था। पर दोस्तों, आप इंडियन भाइयों के लिए, आप लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि साथियों इंडिया में पहला मॉन्की पॉक्स का केस जो है वो रिसीव किया गया है केरला में, जो कि एक शख्स था पैसेंजर था, यानी जो पेशेंट है वो दोस्तों यूएई के यानी दुबई से वो आ रहा था, जिसके बाद वहां पे जब जांच किया गया तो मालूम चला दोस्तों वो अफ्रीका का जो फैला वो मॉन्की पॉक्स है, वो मॉन्की पॉक्स उसके शरीर में आ चुका है। फिलहाल उसे क्वारंटीन कर दिया गया है, उसकी जाँच वगैरह चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग उससे कॉन्टेक्ट में आए थे उनका चेकअप किया जाए और ये बीमारी जो है वो ज्यादा ना फैले इंडिया में। फिलहाल दोस्तों एक ही केस अभी तक आया है, दूसरा केस मिलने की कोई अभी रिपोर्ट नहीं आ रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो दोहा म्युनिसिपैलिटी के तरफ से आ रही। तो साथियों, दोहा म्युनिसिपैलिटी के तरफ से ईद के दूसरे दिन से लेकर अब तक वहां पे बहुत सारे दुकानों पे, जैसे कि दोस्तों आउटलेट हो गया, रिटेलर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया दोस्तों, जो आपकी शोक वाकिफ में जो है दुकानें वगैरह है, मशरिब एरिया में जो दुकानें हैं, कतारा में जो दुकानें वगैरह है, होटल्स वगैरह है, आइलैंड्स वगैरह है, उन सभी जगहों पे जाके एक चेकिंग अभियान की गई, कौन से खाने की चीज अनहाइजीनिक है, यानी जो खाने के नुकसानदायक लोगों को पहुंचे। यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुकान वाले ऐसे होते हैं जो कि खाना एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद भी वो लोग पैसे कमाने के चक्कर में बेच देते हैं। तो इसी तरह का दोस्तों इंस्पेक्शन चलाया गया, जिसमें बहुत सारे दुकानों को सील किया गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही टर्की और कतर के बीच में आ रही। तो साथियों, टर्की और कतर के बीच में कल के दिन बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान दोस्तों टर्की हुकूमत की तरफ से, इर्दोगान साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में, जो इस साल नवंबर के महीने से स्टार्ट होने वाला है, टर्की पूरी तरह से कतर की सपोर्ट करेगा और इसमें मदद करेगा, हर चीजों में मदद करेगा दोस्तों, सिक्योरिटी को लेकर, आर्मी से लेकर, हर चीज की मदद टर्की की तरफ से की जाएगी। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से आ रही। तो साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो अलवकरा जो पोर्ट है दोस्तों, यानी अलवकरा जो बंदरगाह है, उसके लिए कुछ चीजों का इंतजाम करेगी, जैसे कि 368 मोरिंग, 188 बोट स्टैंड, 180 बोट डॉक और दोस्तों लगभग 22 से 46 फीट के बीच में दोस्तों क्रूज बोट का इंतजाम करेगी लोगों के लिए, ताकि लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए आना जाना कर सके। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, यदि आप कतर में रहते होंगे तो 5/6 एक पार्क है जो कि दोहा ओनिजा एरिया में पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो उस पार्क को दोस्तों ईद के टाइम में यह बताया गया है कि बहुत सारे लोग वहां पे विजिट इस बार किए, ज्यादातर लोग दफना एरिया के, लुसैल एरिया के और कतार एरिया, क्योंकि दोस्तों पूरा जो पार्क है वो पूरी ग्रीनरी पार्क है, यानी पूरा का पूरा दोस्तों वातावरण के हिसाब से दोस्तों उसे बनाया गया है और पूरा पेड़ पौधे उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जो लोग ज्यादा वहां पे आना पसंद किए। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।